Hello everyone, today I am going to teach you the constitution. So as we all know, constitution की starting preamble से होती है. तो preamble is very important for the exam purpose also and for the IQ level also. तो preamble की starting हम करते हैं. Preamble word जो है हमने सबसे पहले अमेरिका से borrow किया गया था. वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी preamble का concept नहीं था, ये सिर्फ अमेरिका में था. तो इस preamble word का जो concept है हमने अमेरिका से बोरो किया गया, बट जो टेक्स्ट है हमारे प्रेम्बल का वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे प्रेम्बल के लिए और यू कैन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन डेट ऑल्सो, बिकॉज यू नो कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था 1950 26 जनवरी, बट ये अडोप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949. Now I'll tell you why this date is important, because drafting date and the enforcement date is different. Sometimes they can ask you what is the enforcement date of the constitution, or they can say what is the date of the drafting date of the constitution. So there's a difference. Drafting date hai 26th of November 1949, enforcement date hai 26th of January 1950. So let's think. अब मैं आपको एक बता देती हूँ कि इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने स्केड्यूल्स थे. इनिशियली 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे. बट टुडे इट्स 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स. अब यू कैन आस्क मी व्हाई देयर इज 448, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आज भी 395 आर्टिकल्स ही दिए होते हैं. Then how can I say it's 448? You know, जब भी amendment होता है तो A, B करके articles add कर दिए जाते हैं. तो ये जो A, B add, A, B, C ये जो add हुए हैं, आप इन्हें calculate करेंगे तो 448 articles बन जाते हैं. So that's the main thing. तो as I already told you that 1949 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो चुका था, एडोप्ट हो चुका था, उस टाइम में कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो 1949 से ही एनफोर्स कर दिए गए थे. टोटल 15 आर्टिकल्स ऐसे थे जो 1949 में एनफोर्स किए जा चुके थे, और ये 15 आर्टिकल्स दिए गए आर्टिकल 394 में. सो समटाइम्स दे कैन आस्क यू हाउ मेनी आर्टिकल्स वर एनफोर्स्ड बिफोर दिस 1950, and where it's given in 394 article. So let's come back to the preamble. Preamble mein initially 83 words the. Sorry, it's not 83, it's 82. Initially 82 words the. After the 42nd amendment 1976, 3 new words were added. Those words are socialist, secular and integrity. Ab 42nd amendment ke liye main interesting point ek batati hu. Jab इमरजेंसी का टाइम था तब ये 42nd अमेंडमेंट लाया गया था. तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे प्रीएम्बल में इससे अमेंडमेंट करके कुछ चेंजेस लाए गए थे. आज तक हमारा प्रीएम्बल सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, वो है 42nd अमेंडमेंट से. बहुत बार आपसे पूछ सकते हैं कि हमारा प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड किया गया है. इट्स द ओनली वन टाइम व्हेन आवर प्रीएम्बल इज अमेंडेड. सो हम इससे आगे प्रीएम्बल का और कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि प्रीएम्बल को अगर मैं डिवाइड कर करके अगर समझाऊंगी तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए या फिर आप इंटरेस्ट लूज कर दें. तो इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताने वाली हूँ. और एक चीज़ और, प्रीएम्बल में बहुत सारे लैंडमार्क केसेस हुए हैं, जो केसेस हमारे प्रीएम्बल में भी यूज हुए हैं और आगे और भी जो पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो केसेस उनमें भी बहुत यूज होने वाले हैं. इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग और बेसिक हमारा लैंडमार्क केस है, केशव नंदा भारती केस. वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसने किस तरह से हमारे प्रीएम्बल में चेंजेस ला दिए बाय दिस 42nd अमेंडमेंट. और सो जस्ट स्टे ट्यून एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो.